बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं तैयबा सत्तार। और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं छोटा सा तबका मुल्की वसाइल पर कब्जा करके बैठा है। साबिक हुक्मरानों ने लंदन के अमीर तरीन इलाकों में जायदादें बनाई। कहा बलूचिस्तान को तरक्की देने का माइंड सेट ही नहीं था। कहा माजी में जो इलाके नजरअंदाज किए गए उन पर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में भी हर खानदान को सेहत इंसाफ कार्ड देंगे। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में शाहराओं की तामीर के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इदारों के सरबराहान को बुलाकर मुकदमात बनाने का कहा जाता है। मजीद कहा पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो हुकूमत आज खत्म हो गई होती। शहजाद अकबर कहते हैं मरियम के अब्बू ने बतौर वजीर आजम गुंडों से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस पर हमला करवाया। निहाल हाशमी से जजों के बच्चों को कत्ल की धमकियां दी गईं। जज अरशद मलिक को रिश्वत की ऑफर की गई। मरियम के चचा ने जस्टिस कयूम से मनपसंद फैसले के लिए दबाव डाला। नवाज शरीफ लंदन में इश्तिहारी मुजरिम बने बैठे हैं। क्या यही अदालतों का एहतराम है? शहजाद अकबर के वकला का बशीर मेमन को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस। कहा आपने सबूत और हकायक के बगैर झूठ पर मबनी मनघड़त इल्जामात आयद किए। शहजाद अकबर की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नोटिस में 14 दिन में इल्जामात वापस लेकर गैर मशरूत मुआफी मांगने का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना से यौमिया वाद के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मोहलिक वायरस ने एक दिन में 201 जिंदगियां निकल ली। मजमूई तादाद 17,530 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 10.77% तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 5,292 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 82,207 हो गए। पंजाब में कोरोना वायरस की हौलनाकी जारी। एक दिन में मजीद 127 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 8,224 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान सूबे में 2,776 नए केस रिपोर्ट। लाहौर 1,257, फैसलाबाद 239, मुल्तान 184, रावलपिंडी में 108 केस सामने आए। एपेक्स कमेटी पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दे दी। 8% से जायद शराब वाले शहरों में भी पाबंदियां सख्त करने पर इत्तफाक। लाहौर और बड़े शहरों में अस्पतालों को सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस करने की तजवीज का जायजा लिया। अस्करी कयादत ने भी सिविल हुकूमत को भरपूर तआवुन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तानी साइंसदानों ने वेंटिलेटर तैयार कर लिया। मुल्की वसाइल से तैयार करदा पहला आईसीयू वेंटिलेटर आई लिव के नाम से मुतारिफ कराया गया। ड्रैप ने इस वेंटिलेटर के इस्तेमाल और तैयारी की बाकायदा मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी का आगाज आइंदा माह से होगा। एनआईएच में कोरोना वैक्सीन तैयारी के इंतजामात मुकम्मल। मकामी तैयार सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन मई के आखिर में दस्तयाब होगी। पहला कोरोना वैक्सीन बैच चीनी माहिरीन की मौजूदगी में तैयार किया जाएगा। मौजूदा हालात में हुकूमत को सख्त फैसले करने की जरूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं वैक्सीन की फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो लोग निजी सेक्टर से वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें सहूलियात दी जाएं। रमजान में आवाम घर बैठकर इबादत करें। पहली बार कल 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अब तक 21 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुशाइंद है। 40 साल या ज्यादा उम्र के अफराद को रजिस्ट्रेशन की तरगीब दें। कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो पाकिस्तान में मजीद सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर भारत से आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। ये पाबंदी अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लागू है। भारत में कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 2 लाख से तजावज कर गई। 24 घंटों में 3,60,960 केस रिपोर्ट। एक दिन में 3,293 अमवात हुई।
भारतीय दारुल हुकूमत में कोरोना के 14,924 नए केसेस रिपोर्ट। दिल्ली में मुस्बत केसेस की शरह 32.72% है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता, COVID-19 का फैलाव रोकने, पोलियो के खात्मे और मौसमियाती तब्दीली के बारे में गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए 10 बिलियन ट्री मंसूबे से मुतालिक आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जावेद लतीफ के भाई मियां अमजद लतीफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। मौकिफ इख्तियार किया गया कि CIA पुलिस का जावेद लतीफ को गिरफ्तार करने का कोई कानूनी जवाज नहीं, उनके खिलाफ थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज है। और सिंध हाई कोर्ट का सिंध सरकार के तमाम नैबजद अफसरान को हटाने का एक और बड़ा फैसला। नैबजद अफसरान को ओहदे ना दिए जाएं, अदालत की चीफ सेक्रेटरी को हदायत। अदालत ने अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए। हेडलाइंस आपने जानी टैलेंट न्यूज से, अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।